इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर जिले के कानोर नगर में बीते 6 माह से टूटी पड़ी सड़कें व जलदाय विभाग की गौर लापरवाही से परेशान होकर कस्बे वासियों ने शुक्रवार को मजबूरन धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के साथ सरकार व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन को शुरू कर दिया है। दिन में करीब 1 बजे नगरवासी लामबद्ध होकर नगर पालिका कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और जाजम डालकर बैठ गए। करीब 2 घंटे तक कस्बा वासी धरने पर बैठे रहे और सरकार व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश जताया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विधायक साहब आप तो झुंझुना मत थमाओ, आपसे तो हमारे कई सपने जुड़े हैं। साहब हमने आपकी जीत पर बड़े बड़े सपने देख लिए थे, क्या पूरे नहीं होंगे? हमने तो सोचा था कि कस्बे का पूरा विकास होगा, सड़कों की इस स्थिति को सुधारा जाएगा, लेकिन क्या मिला? वही खस्ता हाल सड़कें, गंदा पानी, अधिकारियों के बगैर कार्यालय, नगर पालिका का कोष खाली। इतना ही नहीं, सब कुछ खाली खाली ही लग रहा है। ऐसे हालात आपके राज में सपने में नहीं सोचा था साहब, लेकिन अब मजबूरन हमें आपको भला बुरा कहना पड़ रहा है। साहब कस्बे का मुख्य सड़क मार्ग बीते 6 माह से टूटा पड़ा है, जहां गहरे खड्डे हो जाने से चलना भी मुश्किल हो गया है, तो वहीं जलदाय विभाग की लापरवाही सिर चढ़कर बोल रही है। विभाग द्वारा बीते 1 साल से पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क को भी दुरुस्त नहीं किया गया है, जिससे मुख्य बाजारों में लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार विभाग व संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नगर से लेकर पुलिस थाने तक सड़क कच्चे रास्तों से भी ज्यादा खराब हो गई है। पैदल निकलना तो ठीक, वाहन तक नहीं निकल पा रहे। यहाँ तक कि कोई घटना होने पर पुलिस को कस्बे में पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। शहरवासियों ने ज्ञापन पीडब्ल्यूडी मंत्री, राजस्थान सरकार, क्षेत्रीय सांसद सीपी जोशी, विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर उदयपुर, उपखंड अधिकारी भिंडर, पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, पूर्व विधायक प्रीति कुंवर शक्तावत को भी भेजा है। उनकी जेब में पैसे कहां से आना है, इस चीज की उनको चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। जब एक जमाना था पानी पीने के लिए तो जनता को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, बदबूदार जिसमें जो उपस्थित है ऐसे पानी को दिया जा रहा है और उसकी भी कोई सीमा नहीं है। जब दे रहे तब दातारी में दे रहे, कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने दे दिया पानी, जब चाहे तब न दे, जब चाहे तब नहीं दे, कोई सुनने वाला नहीं है। दूर भाग रही है जनता, सड़कों की हालत आपके सामने है, हर व्यक्ति इस चीज से दुखी है, लेकिन सरकार की नीति भी इस कानोड़ को जो जो चीज मिली है वो आंदोलन से मिली है, और कानोड़ की जनता को आज के बाद इस बात को ठान लेना चाहिए। कानोड़ वही है 1942 वाला, जब 1942 के आंदोलन में 14 लोगों ने यहाँ पर जेलों में अपनी गिरफ्तार दी और देश को आजादी में अपना योगदान दिया। इसलिए कानोर के लोग आज भी वह है तो संघर्ष करके ये जनता लेना जानती है। इसलिए हर चीज जो मिलती है वो संघर्ष से मिलती है, और जनता की जिम्मेदारी है तो वो सरकार के कान खोल दे और इससे अपना हक लेकर के रहे, विरोध प्रदर्शन करे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने। 15 अगस्त पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं, पहले आए पहले पाए। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अनिंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रूपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू, पहले आए पहले पाए। संपर्क करें राधेश्री डेवलपर्स, मोबाइल नंबर 9414732125, 8690282316।